जस्टिवी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह, अज्ज दा मुद्दा तुहाडा सब दा स्वागत करता। साबका डीजीपी समेत सिंह सैनी ते सब ते नजरां टिकिया होईयां कि समेत सिंह सैनी कदों गिरफ्तार होवेगा। समेत सिंह सैनी ते कल्ला मुल्तानी कांड वाला मामला नहीं गा, मुल्तानी केस तो इलावा समेत सिंह सैनी ते बाकी मामले भी अदालतों में कार्रवाइयां दे अधीन है, जिंदे विच एक 26 साल पुराना सैनी मोटर्स का मामला भी लुधियाने का, जिद बैबल कला गोलीकांड भी समेत सिंह सैनी का जिक्र हो गया। एक 29 साल पुराना मुल्तानी का केस, एक 26 साल पुराना, एक 5 साल पुराना केस, ये सारे मामले इन सुनवाई अदालतों में जारी है तो इस सब के कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस सब से सियासत चुप बैठी है, कि सियासत चुप बैठी है उसका सवाल होना लाजमी है। पुलिस है उसका मनोबल है डिग्या हुआ नज़र आ रहा कि साढ़े सूबे का सबका पुलिस मुखी है उसते इन्ने केस चलते पे है, वो पुलिस भी सोचने पर मजबूर है। जिहड़ी चंगी पुलिस है वह भी सोची पई हुई है कि इहो जिहियां कालियां भेडां जिहड़ियां साढ़े पुलिस विच शामिल सी। इहो जिहे कई सवाल है पुछे जा रहे हैं तो असीं इक्को सवाल पुछांगे, सैनी ते पुलिस च नमोशी है, सियासत च खामोशी है, तो कौन कौन दोषी है? मुलजम सैनी खामोश सियासत, अज का मुद्दा वे तुहानू पॉइंटर दस दिए फटाफट, तो उस तो बाद मेहमान साढ़े को बड़े खास मौजूद है, उन्होंने को चलेंगे। साबका डीजीपी के मुलजम समेत सैनी से कानूनी शिकंजा कसता पाया, मुल्तानी कांड तो बरगाड़ी कांड तक सैनी तो खुलासा की आस है, तो कई होर मामलों में भी सैनी दुश्किल बच सकती ने। मामले बहुत सारे है, इन्हों की गिनती करनी हजे मुमकिन नहीं है, मैं लगता शायद कई ने आंकड़े इकट्ठे किए भी है, पर उन्होंने आंकड़िया से अगे भी कुछ जाया जा सकता। सिख जथेबंदियों ने कार्रवाई तेज करने की मांग की है, लीडर कसूते फसे और समझ नहीं आ रही जाइए किधर, क्योंकि प्रमोशन उन्होंने दिखाई इस तक पहुँचाया। पंजाब के व्डे सियासी आगू सैनी से टिप्पणी करन तो बचते पे आ, किहड़े व्डे सियासी आगू आ, उन्होंने भी गलबात होनी लाजमी है। मुल्तानी केस में सैनी ने सुप्रीम कोर्ट में अगाऊ जमानत लई पटीशन पाई है, 2 जगह तो पहला खारिज हुई है, तो पटीशन है उससे डिफेक्ट लिस्ट में भी वो पहुँच गई है। दल खालसा ने सैनी के पोस्टर लगाते सी अमृतसर में, पुलिस प्रशासन ने कोरोना पोस्टर ना ढकते, समझ सकते हो तुसी कि पुलिस सैनी के मामले में की चाहती पई है। पंजाब पुलिस का दावा है कि छापेमारी की जा रही है, लगातार परिवार तो पुछगिछ भी की है, बहुत सारे सवाल पंजाब पुलिस की उस SIT से भी उठते पे, सारे सवालों के जवाब लैन की कोशिश करेंगे। हरचंद सिंह बाट बहुत ही सीनियर एडवोकेट साढ़े नाल इस वक्त मौजूद है, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के, इन्होंने बहुत सारे केसिस खुद देखे, तो इन्हों का इलाका भी तरन तारण जितों मनुखी अधिकारों के घर दिया बहुत खबर बहुत मामले सामने आए, तो बहुत सारे केसिस इन्होंने हैंडल भी किए, तो इन्होंने पता हैगा कि जो अदालतों में यह कार्रवाइया चलती तो जो पंजाब पुलिस का कोई अधिकारी वड्डा अधिकारी साबका हो जाए उदों किस तरीके काम किया जाता। बाट साहब बहुत स्वागत है सर, तुहाडा बाट साहब 30-35 साल का तुहाडा तजर्बा है। बाट साहब ये 29 साल पुराना केस, 26 साल पुराना केस, 5 साल पुराना केस, मैं सिलसिलेवार सब कुछ समझना चाहूँगा। बाट साहब मुल्तानी केस के विच DGP रहे सैनी दे कोले हुण ऑप्शन कोई खास बाकी है सुप्रीम कोर्ट की? इस तो पहला ही मैं तुहाडे तों इह सवाल लै चुक्या कई बार। बाट साहब ऑप्शन अजे उहनां कोले है, सुप्रीम कोर्ट के विच उहनां ने अपनी जिहड़ी पटीशन पाई हुई है, दो पटीशन इनफैक्ट जिहड़ियां उन्होंने पाईआं है, एक तो यह है कि मैनू इस केस के भी जी FIR दर्ज हुई है ये मैनू एंटीसपेटरी बेल दी जाए कि बारों बार मैं जो जमानत है वो दी जाए। दूसरा इशू जिहड़ा वा उन्होंने ये कहा है कि यह FIR ही जिहड़ी की गई है ये एक सियासी रंजिश है, सियासी लागतबाजी है, इस करके FIR बनती नहीं है। 29 साल बाद जी FIR की गई है वो इस करके जिहड़ा मेन कारण दस रहे ने वो 2-3 दलीलां उन्होंने दीआं, वह कहिंदे आ कि एक तो यह है कि मैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिहड़ा लुधियाना का स्कैंडल होया सी जिहड़ा उत्थे उहदे विच जिहड़ा वा मैं उन्होंने खिलाफ एक्शन किया सी, कार्रवाई की सी, इस करके मैनू जिहड़ा इस वेले सियासत तो प्रेरित होकर यह केस बनाया जा रहा। दूजी उन्हां दी दलील यह है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने, तुहानू याद होएगा कि पहला भी हाई कोर्ट के हुक्मां दे उत्ते CBI ने केस दर्ज किया, CBI ने FIR दर्ज की थी, उसके खिलाफ जिहड़ा है सैनी जिहड़ा है वह सुप्रीम कोर्ट गया थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो FIR खत्म कर दी थी, उन्होंने क्वैश कर दिता सी, सेट साइड कर दी थी कि यह FIR प्रोसीजरल जिहड़ा प्रोपर प्रोसीजर है वो मुताबिक नहीं हुई, इस करके FIR जिहड़ी क्वैश की जाती है। पर नाल ही जिहड़ा विक्टिम है जिहड़े मदई है
उन्हें यह इजाजत दी जाती है, लिबर्टी दी जाती है कि वह दोबारा जोड़ा है वो अपनी जो भी राइट है कारज दोबारा कर सकते हैं। ये आर्डर 2011 के सुप्रीम कोर्ट ने जरा पास किया। उस तो बाद हम 9 साल बाद जी FIR दर्ज हुई है, ये भी उन्होंने एक दलील जी है। बाकी उन्होंने जरा बहुत सारा किया कि मैं बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर रहा वा, मेरे से लागतबाजी किया जा रहा है। ये सारे ऑप्शन जो ने सुप्रीम कोर्ट च उन्होंने किए, FIR ही गलत दर्ज हुई है। क्योंकि ये कोई शक नहीं है कि जेडे दोष इस FIR के ने जेडे मदीद ने लाए ने वो बहुत ही सीरीयस दोष ने, और दो जेडे वादा माफ गवाह भी पुलिस ऑफिसर जेडे उस वेले उत्थे मौजूद सी जिन्होंने सारा कुछ अक्खी वेख्या, उन्होंने अपने बयान भी जेडे दर्ज कराए है कि असी सच्ची गल दस्सन तैयार हां। ठीक है बाट साहब, तुसीं वादा माफ गवाह का जिक्र कर लिया, बैबल कला गोलीकांड विच भी यही केस है सर, इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह वादा माफ गवाह बन लई तैयार है, सुनवाई 15 सितंबर तक मुलतवी की गई है। सर पुलिस हुण पुलिस दे राज ही खुलेगी ते जिहड़े सियासतदान है सर वो इस मामले ते चुप बैठे है, मैं वो भी वजह जानना चाहुंदा। मैं दो सवाल है मेरे सर। मैं समझ नहीं गल KP सिंह जी, जिहड़ा जदों पुलिस जिहड़ी है ना वो जदों एक दोषी नूं वादा माफ गवाह बनाउंदी आ तां इहदा मतलब यह है कि पुलिस नूं जां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिहड़ा है उहनूं लग रहा है कि कितने ना कितने उन्होंने केस के कोई कमजोरी है, कितने ना कितने उन्होंने चेन जी है जी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जीडिया भी होंगे ने बहुत जरूरी है कि शुरू तो लैके आखिर तक एक चेन जी है वो जुड़नी चाहिए है। जे चेन के एक भी जो चीज मिस है तो वह चेन टुटती है तो वह केस जरा वा वह कमजोर होंगे। इस कारण करके जी SIT बनी है ये सैनी के केस के होते भी उन्होंने जोड़ा है दो अपरूवर जिहड़े आ उह बनाए आ जिहड़े खुद दोषी आ जिन्होंने खुद उहदे विच उस जुर्म दे विच पार्टिसिपेट कीता। इसे तरह नाल बैबल कलाकार दे विच उहनां नूं भी लग रिहा कि किते ना किते उहनां दे केस दे विच कमजोरी है। देखो कवर विजय प्रताप सिंह दी बड़ी नां आ रिहा कि बड़ा ऑनेस्ट डेडिकेटेड ऑफिसर है, नो डाउट इन इट, पर उहदे बावजूद भी उहदी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है उहदे विच किते ना किते उहनां नूं लग रिहा कि इहदे विच कमी है। इसे करके जिहड़ा इंस्पैक्टर है बाट साहब, चलो सियासत वाला सवाल मैं बाद ले लूँगा थोड़े तो। मेरा सवाल यह सीगा सर, जे ये वादा माफ गवाह बन रहे हैं सर, जो हुण तिकर तुसी भी आपकी प्रैक्टिस के दौरान देखिया होगा, वादा माफ गवाह सर टिके रहिंदे आ? वादा माफ गवाह दा जी उहदा अपना अंदर जिहड़ा ना वह मतलब जिहड़ा हिलदा कंबदा है, जिवें कहिंदे ना पंजाबी च असीं कहिंदे आ कि पाप कंबदे ने, उन्हां दा अपना पाप कंबदा है ते वह अपनी जान बचाउंदे ने। उन्हां नूं पता है कि असी जिहड़ी कार्रवाई कीती है वह गलत कीती है, कानून के खिलाफ कीती है जिहड़ी कि सानूं कानून इजाजत नहीं दिंदा। इस करके वह जिहड़ा वा उहदे बयान जिहड़े आ जज के सामने उन्हां नूं कहिंदे ने 164 दे CRPC दे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दे 164 दे बयान, 164 दे बयान है कि जज के सामने जाके एक मुरजम जिहड़ा वा जिहड़ी अपरूवर जी नूं बणाउंदे ने वादा माफ गवाह बणाउंदे ने 164 दे बयान दिंदा कि देखो मेरे सौ खा के बयान दिंदा। जज पुछदा कि तू किसे प्रैशर तां नहीं तेरे ते कोई किसे तरह दा नहीं सोच रहा, वह कहिंदा नहीं मैं अपनी मर्जी नाल बयान दे रहा, ते वह फिर जिहड़े आ सौ खा के वह बयान जिहड़े रखे लए जांदे ने, और उहदे बयान जिहड़े आ वह अग्गे जदों ट्रायल हुंदा ट्रायल दे विच जे मन लो, पहली गल तां मुकरन दा सवाल नहीं क्योंकि उहनूं पता कि मैं खुद रगड़िया जाऊगा। 164 के बयान देने तो बाद जो जज के सामने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिते हैं कि जो उस तो मुकरदा तो लगेगा कि मैं खुद रगड़िया जाऊगा। दूसरा इशू जो मुकरदा भी है थोड़ा हिल हुज करता भी है तो वो जी एविडेंस है ना दो चीज़ा ने, एक है कि पुलिस के सामने तुम कस्टडी के कोई बयान दे दो तो कोई जीरो वैल्यू है, पर जो तुम मजिस्ट्रेट के सामने देंगे हो तो दैट इज एडमिसेबल इन लॉ, वो जी पूरी तरह कानूनी तौर के उत्ते मने जाते हैं, और इस करके बहुत घट संभावना होंदी है कि जिहड़ा अपरूवर है वादा माफ गवाह है वह अपने बयान तो मुके। ठीक है बहुत तुसी वड्डी जानकारी साडे नाल सांझी कीती है, वादा माफ गवाह ते साडे दर्शक भी जानना चाहुंदे। छोटा ब्रेक लैके वापस आ रहे बाट साहब, सवाल यह भी हो गया कि कल्ले समेत सिंह सैनी दीआं मुश्किलां वधीआं जां SIT दीआं मुश्किलां वधीआं? SIT दीआं मुश्किलां इस करके वधीआं क्योंकि SIT नूं हुण सैनी नूं गिरफ़्तार करना पवेगा, किहा जा रिहा कि SIT छापे मार रही है पर लोग कह रहे हैं छापे नहीं मार रही,
पोस्टर टक रही है। वापस आ रहे हैं बाट साहब, एक सवाल मैं छड़ के गया सी सर, भी समेत सिंह सैनी दी मुश्किलां तो वधियां वधियां, सर एस आई टी दी मुश्किलां भी वधियां, ये सवाल नहीं आ रहा है। ये सवाल इस करके बनता सर, एस आई टी दी मुश्किलां इस करके वधियां क्योंकि एस आई टी ने उस तरीके नाल काम नहीं किया गा जिहड़ा करना चाहिए सीगा। ये पुलिस के जानकार भी कह रहे थे, तुहाडे वर्गे जानकार भी कह रहे हैं कि जे सैनी ते पहला सिकंजा कसिया हुंदा तां सैनी फरार नहीं हो सकता सी। बाट साहब ये बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है जी, जे मैं जिहड़ा पक्का कन्विंसड है और अपने तजर्बे तो भी जिहड़ा वा अपने एक्सपीरियंस तो भी इस गल लई मैं कन्विंसड है कि जे पुलिस चाहे तो कोई भी दोषी जिहड़ा वा वह बच नहीं सकता। तुसीं देखो जेड प्लस सिक्योरिटी होवे, 60 बंदे जिहड़े आ उहदे तैनात होण ते उह बंदा जिहड़ा वा फरार हो जाए किस तरह निकल सकता। जे मान लो निकल भी जाता तो उस तो बाद पुलिस को इन्ने सोर्स ने कि वह सर्वेलेंस है उन्होंने आपके सोर्स ने वह कढ़ सकती है कि बंदा कित्थे गया। तुसीं देखो उस तो बाद उहदे दो हल्फिया बयान अटेस्ट हुए है, जे उन्हें हाईकोर्ट च केस पाया तो उन्हें वकालतनामा भी दिता, वकील भी किया, तो वह एफीडेविट वह हल्फिया बयान भी उस कमिश्नर ज नोटरी तो अटेस्ट भी होया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट गया उत्थे भी वकील किया, वकालतनामा साइन किया, नाल एफीडेविट जिहड़े आ उह अटेस्ट होए ने। हुण ये देखो कि यह सारा कुछ जिहड़ा चुप चुप तो नहीं हो सकता। तुसीं मैं कहना वा कि पुलिस जिहड़ी है उहदे उह चाहुंदी नहीं है कि इस नूं अरैसट किया जाए। रीजन की है एबीसी है मैं उहदे विच नहीं जाना। तुसीं देखो जदों पहले दिन एफ आई आर होई सी तुहानूं याद होएगा कि यह सैनिक जिहड़ा सी उह उहदे तों हिमाचल चला गया सी और हिमाचल के बार्डर के उत्ते उस वेले लॉकडाउन सी और उन्होंने हिमाचल की पुलिस ने उत्थे एंट्री देनी हिमाचल के मना कर दी थी और नाल ही उन्होंने पुलिस ने काउंटर पार्ट पंजाब की पुलिस ने दसिया कि तुहाडा रिटायर्ड बीजेपी जिहड़ा है वह हिमाचल के एंटर करने की कोशिश कर रहा है, असी उन्होंने जरा वापस भेज दिता। असी लॉकडाउन दिया जो रूल्स से उस वेले कि कोई भी बंदा बाहरली स्टेट का उन्होंने स्टेट के नहीं जा सकता अनलैस एंड अंटल कि वो रिटर्न परमिशन जी हो गई। उस वे पुलिस को पता नहीं है, उस वे पुलिस को पता है कि हाँ ये हिमाचल के जरा बैठा हुआ वापस आ रहा है, पहला गया उतों तक उतो वापस आया। उस वे सिक्योरिटी भी सी, यह भी दसदा उस वे कला नहीं सिक्योरिटी भी वो सी, उस वे अरैसट नहीं किया। उस वे तो कोई जो बहाना नहीं सी, सारी इनफॉरमेशन भी मिल गई, सारा कुछ हो गया। इसे तरह हूँ भी है कि वह जान बुझ के पुलिस वाले एक लिमिट तो अगे नहीं जाना चाहते क्योंकि जेडे भी एस आई टी या जो भी है कितने ना कितने उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर कितने ना कितने लग रहा है कि वो प्रति है। वो कहते चंगा जो बेल ही मिल जाए तो ठीक है, अभी क्यों अरैसट करिए, मसला जोड़ा वा वो हल हो। बाट साहब जो अमृतसर पोस्टर लगते हैं इस तो अलावा होर थावां ते पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं बाट साहब, उदों पुलिस उन्दे उपर करोना दे पोस्टर ला रही है, इहदा मतलब सर की समझा जावे? जां तां पोस्टर जे तुसीं पोस्टर नहीं दिखाउणा चाहते पोस्टर पाड़ दो ना, तुसीं करोना दे पोस्टर ला के तुसीं सैनी दे पोस्टर ढक रहे हो सर, इहदा मतलब की है? लोग पता की समझ रहे हैं सर, मैं लोगों का सवाल तुहानूं दस दवां बाट साहब, लोग यह समझ रहे हैं कि पुलिस पोस्टर नहीं लुको रहे, पुलिस ने सैनी नूं लुकोया होया। के पी सिंह जी अज वो जमाना नहीं है कि जो सिर्फ जिहड़ा वा एक दूरदर्शन हुंदा सी ते दो तीन वेले जिहड़ियां न्यूज़ वो दिंदा सी, एक रात नूं 9 बजे दिंदा सी, एक सवेरे दिंदा सी, एक शायद दुपहरे दिंदा सी। अजकल जिहड़ा वा सोशल मीडिया दा जमाना है, एक सकिंट दे विच जिहड़ी एक जगह ते कोई गल हुई आ पूरी दी पूरी जिहड़ी आ उह सारे लोकां तक पहुँच जाती है। तुसीं एक पोस्टर नूं जिहदे विच भगौड़ा दिखाया गया, मतलब यह है कि पुलिस की या एस आई टी की नाकामी है, उसकी फल्योर है, उसनूं तुसीं पोस्टर ते पोस्टर ला के छपा नहीं सकते, इट इज़ इम्पोसीबल। जे तुसीं ये काम कर भी रहे हो तो तुसीं अपनी मूर्खता जिहड़ी है वह जग जाहिर कर रहे हो कि असीं अपनी नाकामी नूं छपाउण दे लई, अपनी फल्योर नूं छपाउण दे लई यह काम कर रहे हैं। चाहिदा तो यह है कि यह दसण लोकां नूं कि असीं की स्टैप लै रहे हैं। नहीं नहीं बाट साहब एक सवाल होर है कि पुलिस पोस्टर ला सकती है कि सैनी फरार है साढ़े हाथ नहीं आ रहा, पुलिस को अधिकार है? बिल्कुल वो कर सकते हैं जी, उनको तीन जेड़े है उनको स्टेप्स फिर पुलिस नु बाट साहब फिर पुलिस नु एदा करना चाहिए सीगा, बाट साहब पुलिस नु फिर एदा करना चाहिए सी, जेड़े पोस्टर लगे सीगे वो एक पोलिटिकल पोस्टर हो सकते हैं, तुसी आपदे पोस्टर लाउंदे उंदे उपर भी भाई सानू चाहिए, फिर तो ज्यादा वधिया लगता।
केपी सिंह जी याद होएगा यह जरा मोके के झंडा चलाने जो काम होया किन्नी जल्दी पुलिस ने जरा वा दो दिन के बाद ही इनाम रखता पहला एक सल्टन जरा रखिया कि असी जहाँ बुलाएगा दसेगा इनफॉरमेशन देगा उन्होंने इन्ना पैसा देवे उस तो एक दिन बाद वो पैसा जरा वा वधाता वो रकम वधा दी हूँ वो इशू से जे अपना इस जुर्म के नाल कंपेयर करते हैं तो यह जुर्म जरा वा बहुत वड्डा जुर्म है वो हिसाब के ना तुसी जरा वा जे दो तुहाडे को तरीके है एक है कि तुसी जरा जनता नूं जरा दसो कि हाँ जो भी सानूं जरा ये बारे इनफॉरमेशन देगा असी जरा इनाम देवे कुछ भी इनसेंटिव देवे जो भी है दूसरा है कि तुसी उहदी जिहड़ी कार्रवाई है पीओ की कार्रवाई कर सकते हो कि यह कानून तो भगौड़ा है कानून के जिहड़ी थले मजिस्ट्रेट के विच केस पा के ये कर सकते हो कि उन्हें पीओ जरा डिकलेयर किया जाए अजे देखो कानूनी तौर पर वह भगौड़ा नहीं गा वो है उसकी टर्म जी है प्रो क्लेम्ड ऑफेंडर जिन्हों कहा जाता है जो सीआरपी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के है वह मजिस्ट्रेट ही उसको प्रो क्लेम्ड ऑफेंडर डिकलेयर कर सकता वह एक प्रोसीजर है वो मुताबिक हुण सिर्फ जरा पुलिस की नज़र के जरा भगौड़ा है पर कानूनी तौर पर नहीं है वो बारे कोई उन्होंने जरा वा इनिशिएटिव नहीं लिया थर्डली तुसी देखो कि इतने जिते वो रहायश है उत्थे 60 बंदे पुलिस वाले जिहड़े आ लगे क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी है वो मुताबिक उन्होंने सिक्योरिटी देनी है नंबर ऑफ वहीकल्स सारा कुछ जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है हुण दोबारा फिर उत्थे कल कहिंदे रेड किया हुण एक बार तुसी रेड कर लिया तुहानू पता भी उत्थे नहीं है छापे मारे हुशियारपुर जिहड़ा जद्दी जद्दी पिंड उत्थे छापे मारे दिल्ली तक छापे मारे हरियाणा दे विच छापे मारे बहुत थावां ते उन्होंने कहा कि छापे मारे सर मेरा सवाल है बाट साहब तुसीं छापे तो मार रहे हो एस आई टी सैनी नूं भगौड़ा साबित करन वाल अगे क्यों नहीं वधदी पई वजह की है मैं तो उही कह रहा जी एक सॉफ्ट कॉर्नर अजे भी जरा लग रहा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर वो है मैं तुम कहना कि एक जो बिल्कुल छोटा मोटा जुर्म है ना जे मान लो भी जरा दाज दहेज के केस जोड़े आनते मैट्रीमोनियल इशूज ने भी पुलिस वाले जोड़े है जे एक बंदा हाथ नहीं आता तो वो सारे परिवार चकते हैं वो सारे दूरों दूरों रिश्तेदार चकते हैं और सारा इन्ना दहशत का माहौल बनाते हैं कि वह बंदा मजबूर हो जाता सरेंडर करने के लिए ये तो बहुत वड्डा इशू है जुर्म जो मुकाबले तो बहुत वड्डा इशू है ये तो मतलब यही है कि किते ना किते अजे भी क्यों आ किवें आ इहदे बारे मैं कुछ नहीं कह सकता पर किते ना किते लग रहा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जां एक फलियोर है जां जान बुझ के उन्हें मौका दे रहे हैं ठीक है बाट साहब किते किते सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाऊगा जे सैनी मोटर्स वाला मामला सर उन्दे विच भी निजी पेशी तो छोट वाला मामला उन्दी सुनवाई है जिहड़ी पैनी है तो इतों तक कि सी बी आई ने जी उ पली दी है वो ये कह रहे हैं कि निजी पिछली तो छोट नहीं मिलनी चाहिए कि ये कि मामले के सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाऊगा बैबन कला गोली कांड मुल्तानी कांड सैनी मोटर्स कांड साढ़े को सारे पे सर सैनी मोटर कांड वाला जो इशू है ना के पी सिंह जी बहुत सीरीयस इशू आ जिदे तीन बंदे लापता ने और दो बंदे जो रिश्तेदार से हाईकोर्ट कंपलैक्स के चुके गए जिते हाईकोर्ट की सारी जुडिशरी जी पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की बैठती है उस कंपलैक्स के जोड़े है वह दो बंदे जो रिश्तेदार है वह पुलिस ने उस वेले सैनी के कहने के उ जो कहा जाता वो चके और एक गवाह जरा वा वो रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज से मिस्टर राजीव भल्ला और राजीव भल्ला उस वे जज नहीं सी इन दो बंद का वकील से गवाही भी दर्ज हुई है तुम देखो मैं कहना कि अगे कहें जरा कानून है वो अन्ना ते बोला मैं कहना कला अन्ना ते बोला ही नहीं गा कानून लंघड़ा भी है तुसी देखो 25 साल के बाद भी ये केस जरा अजे चल रहा है और जी एक जरा बंदा लापता होया मदर ने बार बार जाके कोर्टा के रिटा पा के कोर्टा अप्रोच करके ये कहा कि मेरी उम्र जी 90 साल तो उपर हो गई है मेरे मैं मर जाना वा मेरा बयान तो रिकॉर्ड करा लो तुसी हालत देखो साढ़े कानून की जिहड़ियां साडी जुडिशरी दी कि एक जिहड़ी गवाह उहनूं मतलब एक लेडी जिहड़ी बहुत बिरध औरत है बीमार रहिंदी है उसनूं जिहड़ा वा उह जिहड़ा अपना बयान दर्ज कराउण दे लई ही इन्ना वार करना कि इहदा मतलब कि इहदी पहुँच जिहड़ी है एड्डी वड्डी पहुँच है और सच्ची गल होई कि उहदे बयान रिकॉर्ड होण तों बाद साल डेढ़ साल बाद उह बेचारी दी डैथ हो गई और उहनूं जस्टिस न्याय नहीं उहनूं मिलिया अमर कौर चली गए चलो एक छोटा होर छोटा ब्रेक लैके बाट साहब वापस आ रहे हैं।
कला सैनी का मामला नहीं है, सैनी दे नाल जुड़े हुए वह गुनाह है कि जिन्हों शायद कदे ना माफ़ किया जा सकता ना भुलिया जा सकता, यो जख्म है जिन्हों का हिसाब है जोड़ा सैनी की गिरफ़्तारी तो बाद भी शायद नहीं होगा, क्योंकि इन्ने साल बीतन तो बाद कई लोग है जोड़े इस जहान तो चले गए, इंतज़ार करते पे है, इंतज़ार अच भी है कानून किस तरीके काम करेगा, तो कानून का जोड़ा जमीन पर उस तरीके सब कुछ लागू करना वो पुलिस का काम है, तो पुलिस दे को सॉफ्ट कॉर्नर है सैनी के लिए, बाट साहब भी ये कह रहे हैं। वापस आ रहे हैं बाट साहब, सवाल यह है कि इस मुद्दे पर सियासी धिर बहुत सोच समझ के चल दया पी, कई तो बोल दिया ही नहीं पईं, बहुतिया नहीं बोल दिया, मैं कई शब्द नहीं, मैं शब्द वापस ले लेना, बहुतिया बोल दिया नहीं पईं, सैनी तो सर चुप्पी क्यों है? जरा रेलीवेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ठीक गल है कि जिहड़ियां वड्डियां सियासी धिर ने सारियां पंजाब दे विच मोटे तौर दे उत्ते सारियां दे उत्ते साइलेंट है, उन्हां दे विचों देखो वड्डी गिणती तां उह है कि जिहड़े किसी ना किसी तरह जदों इह लंबा समां बीजेपी भी रहा होर भी उच्च अहुदिआं ते पुलिस ते रहा ते लगभग सारियां नूं ही किसी ना किसी तरह नाल काड़ा कीता, किसी दा कोई काम कीता होएगा, किसी नूं किसी तरह होर वरत्या होएगा, कुछ ना कुछ जिहड़ा वा ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਧਿਰਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੇਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਲਾਊਡ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਨਿਓਰਟੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ। KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ CM ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ CM ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੋਧਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਨੀ ਪਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟਰਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ DJP ਪੰਜ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨੂੰ DJP ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੇ
और पंथक हल्के जिहड़े आ उह सारे कहिंदे कि सब तों वड्डा तुसीं तुसीं जिहड़ा तुसीं उस पंथ तुसीं उस पंथक हल्के दे विच वड्डे होए हो बाट साहब, ये सैनी के जरिए पंथक एजेंडा सैट करन दी कोशिश तां नहीं हैगी पंजाब दे विच? मेरा सवाल यह भी है बाट साहब, कितने ना कितने जिहड़ा वा इहदे विच देखो जिहड़ा इस लैवल का केस हुंदा ना, असीं इह नहीं कह सकदे कि प्योर ऑन मैरिट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਆ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦੋ ਇਹਨਾਂ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੰਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਆ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੈਸਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਓਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਸੈਨੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਬਥੇਰਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਵਕਫਾ ਲਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨੀਗਾ, 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੋਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੱਕ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਤੱਕ, ਸੈਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਸੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ 'ਤੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਆ ਸਰ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ
कोई भी उन्हों का अता पता नहीं है। प्रज्यूम्ड है कि जे इन्ने साल हो गए, 25 साल हो गए हैं, तो बंदियां नूं जिहड़ा चक के मारिया गया, जिवें बाकी बहुत सारे जिहड़े मारे गए, और इन्ना सीरीयस केस हो गए, तुसीं देखो मुख मुलजम यह हो गए भी ये सारा कुछ इहदे कहण ते होया, क्योंकि इहदा डिस्प्यूट उन्हां दे नाल जिहड़ा चल रहा सी, और उहदे बावजूद भी ये एंटीसिपेटरी बेल जिहड़ी है वह बाहरों बाहर जमानत लै जाए, एक दिन भी अंदर ना जाए। दूसरा इशू देखो 25 साल हो गए ने, ईवन के जिहड़ा वा लोग जिहड़े पीड़ित पार्टी है उन्होंने कोर्ट के जाना पाया भी इनू भाई केस डिसाइड कर लो। तुहानू कल परसों पता होएगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक केस आए, उन्होंने पूछा कि सब तो पुराने किन्ने केस ने, एक कोई जिहड़ा MLA सी हिमाचल का वह शायद 35 साल पुराना केस सी, पर उहदे विच भी इहदा जिक्र नहीं आया कि कितना वड्डा पंजाब दे विधायक दा केस वी है सर 83 दा, उह वी मामला। हाँ जिहड़ा वा उह 25 साल चले होण, तिंन बंदे उहदे विच लापता होण, हाई कोर्ट दे विचों जिहड़ा वा उह बंदे चके होण कंपलैक्स दे विचों, चंडीगढ़ दे विचों जिथे सारी जुडिशियल जा रही है, चंडीगढ़ दी बैठदी है, और एक उहदे विच गवाह जिहड़ा वा उह साबका जज होवे हाई कोर्ट दा, मिस्टर राजीव भल्ला, जिहड़े कि उन्हां दो बंदियां दे जिहड़े चके गए उन्हां दे वकील सी, उन्होंने बयान दिता आपका कि हाँ मेरे को उसके भुगतन आए थे पेशी के, और उस तो बाद जोड़े है वो लापता हो गए। ये सारी जी एविडेंस हो गई, और ईवन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार आर्डर भी दिते हैं कि यह केस डेली जी डे टू हे डे हेयरिंग जी है वह करके सुने जा, बावजूद भी 25 साल तक वो केस किसी किनारे पर नहीं लगा, अजे का अज उंज का उंज खड़ा, मतलब किन्नी वड्डी पहुँच तुसीं देखो, ईवन न्यायपालिका दे विच भी किन्ना किन्ना वड्डा मैनूवर वो कर सकता। तो मैं तुहानू पहले दस के हटिया कि एक बिरध औरत 90 साल की बिरध औरत जिहड़ी एक विटनेस सी इहदे विच, उहनू अपना बयान रिकॉर्ड करन दे लई भी जिहड़ा बार बार तरले मिलता करन लई कि मैं मर जाणा, मेरा बयान तां घट्टो घट्ट रिकॉर्ड कर लो, और कोर्टां दे विच जा जा के उहदा बयान रिकॉर्ड होया, वाकई वह बयान रिकॉर्ड करन तों बाद 1.5 साल दे बाद मर गई, और न्याय उहनू देखण नू नहीं मिलिया। बार साहब जिस तरीके ने तुसी सारे केसिस का जिक्र किया, होर भी जे तुसी इंसाफ दे पोर्टल ते जाओ तो उत्थे तुहानू पता लगदा कि किन्ने केसिस है। सर मेरा सवाल है सैनी जी इन्ना स्ट्रोंग है जिस तरीके ने तुसी सब कुछ दसदे पए, एंटीसिपेटरी बेल भी लै जांदा है, CBI दे कोले जांदा है, CBI दे मामले विच भी ये निकल जांदा है, हुण भी कह रहा कि यह मामला CBI कोल जाना चाहिए, किसी होर एजेंसी कोल जाना चाहिए, जे सारे मामलों नू समअप करके देखा जाए सर, सैनी का पक्ष कितने सुनना लाजमी है, एक सवाल। दूजा सवाल यह है कि सैनी इन्ना तकड़ा कस्टोडियल इंटैरोगेशन दे विच जां होर मामलों दे विच जदों ये सारे मामले अगे वधणगे, इन्नी जी पेशी तो छोट नहीं देनी गी, वो सारे मामले दे विच सैनी ते सकंजा कसया जा सकदा कि नहीं कसया जा सकदा? बार साहब देखो KP सिंह जी जदों भी कोई बेल दा इशू हुंदा ना तो उहदे विच दो तीन चीज़ां जिहड़ियां वा कोर्ट ऑब्जर्व करदी, फस्ट के ये क्राइम की नेचर की है, हेनियस क्राइम है, सैकेंडली कि जिहड़ा क्रेडेंशियल जिहड़ा वा वह अक्यूज दा दोषी दी क्रेडेंशियल की ने, उहदी बैकग्राउंड की है, थर्डली कि वह कितना प्रभावशाली है, जो जमानत देनी होंदी है तो एक जिहड़ी सरकारी वकील जिहड़ा ना एक पॉइंट बार बार लैंदा हुंदा सी कि यह बड़ी पहुँच वाला बंदा वा, जे इहनू रिहा कर दिता गया तो इहने साडे सारे गवाहां नू प्रभावित करना, इहने एविडेंस टैंपर करनी है, और इहने जिहड़े साडे गवाह वा वह मुकरा देने। इस केस दे विच जिथे बाकी चीज़ां ने, यह जरूर है कि जे अंदर नहीं जाता है, जे बाहर रहिंदा है तो जिहड़ी प्रोसीक्यूशन दी जिहड़ी एविडेंस है उहनू जिहड़ा वा नैगेटिवली अफेक्ट करेगा, प्रभाव करेगा, और उहदे विचों संभव है कि कई दोषी जिहड़े आ उह कई जिहड़े गवाह ने उह मुकर जाण। मैं तुहानू इहदी एग्जाम्पल दे देना, लाइव एग्जाम्पल दे देना, जिहड़ा दिल्ली सैनी मोटर्स वाला केस है जिहड़ा CBI ने जिहदी इनवैसटीगेशन की है, उहदे विच जिहड़ा IO सी, CBI देखो एक बड़ी रिप्यूटेड एजेंसी है लॉ एनफोर्समेंट दी, बड़ा उहदा रेपूटेशन है, उहदा जिहड़ा IO सी जिहड़ा इनवैसटीगेटिंग ऑफिसर सी उह खुद मुकर गया जी जान, उहदे बयान जिहड़े सैनी कांड दे दिल्ली दी कोर्ट दे विच होए ने सैनी मोटर कांड दे विच उह मुकर गया जा के, मतलब इन्नी ज़्यादा पहुँच जिहड़ी है तो बिल्कुल क्लीयर है, और इहदा जिक्र भी जिहड़ा वा शायद ऑर्डर दे विच हाई कोर्ट दे विच बिल्कुल तफ्तीशी अफसर दे जिक्र कर रहे हो। सर मेरा सवाल बड़ा साधारण है सर, आखिरी सवाल मैं कर रहा, सैनी सर गिरफ्तार होगा, जे गिरफ्तार हो गया तो वह इन सारे दे राज उगलूगा जिहड़ी सियासत नूं इस तक पहुँचाया जा नहीं? देखो जी होगा कि नहीं ये मैं जिहड़ा वा ये कोई एंटीसिपेट करना बड़ा मुश्किल गल होएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मैटर पेंडिंग है, किधर नूं चीज़ जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहला भी ये हक के
फैसला किया जी पहली एफ आई आर से भी क्वैश की है शायद वह भी कोई ना कोई हो ये बारे जरा वा मैं मतलब कुछ कहना जरा शायद वक्त तो पहले की गल होगी पर जो दूसरा सवाल जरा बनया जो है कि एक सियासत का भी इशू है ये बन गया होया कि असी किस तरीके सियासी लाहा लेना है पंजाब के भी नाल दी नाल जरा वा जे सियासी हल्के आ इस मतलब ये निगाह रख रहे हैं और देख रहे हैं कि आने वाले समय के क्योंकि इलेक्शन दो साल तो घट समा रह गया ये बहबल कला किवें घड़ीसना उदों तक बाई तक तुम बिल्कुल ठीक किया और इस जरा वा किस तरह ना जरा वा ये केस जरा होना है यू किस तरह उतों तक लमकाना तो वह किमें लाहा लेना यह जरूर जरा वा यद एक पक्ष है आप इस तो इनकार नहीं कर सकते। ठीक है एक आखिरी सवाल सैनी तो सियासत कदों बोलेगी सियासत मैं तुम्हें पहले दसदा जी बड़ा औखा एक तो जरा बिल्कुल क्लीयर है कि वह पक्ष तो जे जे पंथ का ना लेंगे किसी वे जरा वा गल करते उन्होंने उतों तक पहुँचाने वाले ने किमें बोलने दूसरी जी मेन पार्टी है जब एक होर तीजी पार्टी भी जी विरोधी अपोजिशन है वो भी लीडर जोड़े है वह नहीं बोलते कितने ना कि मैं पहले भी गल की है कि कितने ना कि जरा वा उन्हों का सॉफ्ट कार्नर है जहाँ कितने ना कि व्यू है कि इन्हें बड़ी लड़ाई लड़ी है जी पंजाब के उस वेले क्योंकि जो आप भुल नहीं सकते हैं कि बेअंत सिंह वर्गे जोड़े मुख्यमंत्री से उन्होंने डैथ हुई इस इन हालातों के होर कई लीडर जोड़े से उन्होंने को फादर भैन भरा बड़े अफेक्ट जोड़े आ वो हुए ने इस करके बड़ा औखा लग रहा मैं जी गल के पी सिंह जी कहनी चाहना कि एक बार बादल साहब ने कहा कि असी ना ट्रुथ कमीशन बनावे जी देखो ये सारा जो पंजाब के जोड़ा मैं कंक्लूड करना चाहता यह सारा कुछ जो पंजाब होया संबंध के एक जिहड़ा इंडिपेंडेंट किसी सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जज के थले एक ट्रुथ कमीशन बने सच्चाई कमीशन बने जिहड़ा सारा कुछ होया ये तो एक चीज आप एक लै लाँगे दो लै लाँगे होर कितना कुछ होया जिहदे च बड़े बेदोशे भी जिहड़े आ उन्हां दीआं जानां गईआं पुलिस ऑफिसर भी गए बाकी सारा कुछ भी होया वो सारा कुछ सामने लिया सामने लिया के लोगों के सामने तो आए कि ये सारे कुछ लिए की सियासत ही जिम्मेवार जो हालात बने कि इस गल के लिए भी सियासत जिम्मेवार सी ते की असी सियासत ही जी है वो लोगों की मतलब जिहड़ियां सत्थां विछड़ियां जिहड़ियां उन्हां तों निकलेगी तो उहदा फायदा उठाया जाएगा ये सारा इशू जिहड़ा वो क्लीयर वंस फॉर ऑल होना चाहिए। चलो बहुत धन्यवाद बाट साहब तुसी बड़े पॉइंट्स जिहड़े साडे नाल क्लीयर करते हैं मुद्दा तुसी दस दिता असल विच है की है बहुत शुक्रिया बाट साहब मेहरबानी। ये सर हरचंद सिंह बाट जिन्हां तों असी कानूनी प्रक्रिया भी समझी है तो सियासी प्रक्रिया भी समझी है कानून के नाल नाल ये मुद्दा सियासी भी है कानून के विच हो सकता है कि सैनी है जिहड़ा वो जिमें पहला बचता रहा हो सकता है कि इस वेले भी उनके मौके होन जिमें आर्टिकल 136 भी है सुप्रीम कोर्ट के जिहड़ियां वह स्पैशल पावर्स के जरिए सैनी दे हक विच भी भुगता जा सकता पर सवाल कानूनी प्रक्रिया तो निकल के सियासी सत्था में जाता जो सियासी सत्था में जाता तो ट्रुथ कमीशन का जिक्र होंगे कमीशन इस तो पहला भी कई बन चुकी है ट्रुथ कमीशन का मतलब होंगे कि सच बाहर लिया जाए सच कदे बाहर आएगा कि सियासत सैनी वरती रही जां सैनी सियासत नूं वरता रहा पर इन दोनों वर्त वर्तारे के विचाले कौम का जो नुकसान होया उसकी भरपाई कौन करेगा उसका गुनहगार कौन होगा साडा सवाल उही है ये सवाल उदों तक असीं पुछते रहेंगे जो तिकर नौजवानों के गुनहगार सामने नहीं आते गुनहगार फड़े नहीं जाते जो तिकर उन्हां बारे परदे फाश नहीं होंगे जो तक मनुखी अधिकारों के कान करने वाले का पता नहीं लगता जो तक यह नहीं पता लगता कि यूएन तक जी रिपोर्ट चली जाती उस तो बाद सियासत सुती रहती है जो तक यह नहीं पता लगता कि सियासत सैनी के हक में एफीडेविट दे देती है जो तक यह नहीं पता लगता गा कि सियासत है पंजाब के हितों लांबू लाती है उदों तिकर असी सवाल करते रहेंगे।